अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। बारिश का सीजन है और इस मौसम में सबका मन करता है कुछ चटपटा खाएं। तो आज हम बनाएंगे आलू का इंस्टेंट पकौड़ा। इसके लिए आलू को लंबे और थोड़े मोटे साइज में काट लें। एक बाउल में 2 कटोरी बेसन लें, आधी कटोरी सूजी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल बना लें। अब 2 चुटकी गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन को हथेली से प्रेस करके डालें, मिक्स करें। अब 1 चम्मच गरम तेल डालें। गरम तेल डालने से पकौड़े कुरकुरे बनते हैं। अब सरसों का तेल गरम करें। सरसों के तेल से पकौड़े का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप जब भी पकौड़े बनाएं उसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल गरम हो जाए तब आप बैटर में आलू डालें, फिर उसे तेल में डालें। आलू तेल में डालते टाइम हाई फ्लेम पे ही रखें। जब आलू डाल दें तब फ्लेम लो करें। अब लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रखें। एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो पलट दें। जब दोनों साइड करारे हो जाएं, तो फ्लेम को हाई कर दें। 2 से 3 सेकंड हाई फ्लेम पे ही रखें, फिर निकाल दें। अब आपके करारे आलू के पकौड़े बनके रेडी हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और जब भी आपका मन करे पकौड़े खाने का तो ये बहुत जल्दी में बन भी जाते हैं। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल भी गए हैं। तो आपको ये पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।